जय श्री माता जी। विश्व के सभी साधकों का सुबह के ध्यान सत्र में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को शारदीय नवरात्रि महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज षष्ठी, आज हम परम पूज्य श्री माता जी का श्री कात्यायनी के स्वरूप में ध्यान करते हैं। सर्वप्रथम सामूहिक बंधन। तीन महामंत्र एवं श्री गणेश मंत्र का पठन करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हमें संतुलन दीजिए।
सहस्त्रार में स्थिर करके ध्यान में रहते हैं। इसी ध्यान की स्थिति में अमृतवाणी आत्मसात करते हैं। आज हम लोग यहाँ शक्ति की पूजा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। अभी तक अनेक संत साधुओं ने, ऋषि मुनियों ने शक्ति के बारे में बहुत कुछ लिखा और बताया है, और वो शक्ति का वर्णन उन्होंने अपने गति में नहीं कर पाए उसे उन्होंने पद्य में किया, और उस पर भी इसके बहुत से अर्थ भी जाने। लेकिन एक बात शायद हम लोग नहीं जानते कि हर मनुष्य के अंदर ये सारी शक्तियां उत्साह है, और ये सारी शक्तियां मनुष्य अपने अंदर जागरूक करते, ये सुप्तावस्था की जो शक्तियां हैं उनका कोई अंत नहीं, नहीं उनका कोई अनुमान कोई दे सकता, क्योंकि ऐसे ही 35 कोटि को देवता आपके अंदर विराज, उसके अलावा न जाने कितनी शक्तियां को चला रहे हैं। लेकिन इतना हम लोग समझ सकते हैं कि जो हमने आज आपके साक्षात्कार को प्राप्त किया है तो उससे जरूर कोई न कोई शक्तियों का कार्य हुआ,
उस कार्य के बगैर आप आत्म साक्षात्कार को नहीं प्राप्त करते। ये आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते वक्त हम लोग सोचते हैं सहज में हो गए, पर सहज में दो अर्थ, एक तो सहज का अर्थ ये है कि आसानी से हो गया, सरलता से हो गया, और दूसरा अर्थ ये होता है कि जिस तरह से जीवंत क्रिया अपने आप प्रसिद्ध हो जाती है उसी प्रकार आपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया। लेकिन ये जीवंत क्रिया जो है इसके बारे में अगर आप सोचने लग जाए तो आपकी बुद्धि चिंतित हो जाएगी। समझ लीजिए ये आपने एक पेड़ देखा है, इस पेड़ की ओर आप नजर करिए तो आप ये सोचेंगे कि भाई ये फलाना पेड़ है, लेकिन इस पेड़ को इसी रूप में ऐसा ही इतना ही ऊंचाई पर लाने वाली कौन सी शक्ति है? किस शक्ति ने इसको यहाँ पर इस तरह से बनाया है कि जो वो अपनी सीमा में रह करके और अपने स्वरूप रूप उसी के साथ करता है। फिर सबसे जो कमाल की चीज है वो मानव मनुष्य जो बनाया गया है, वो भी एक विशेष रूप से, एक विशेष विचार से बनाया गया है, और वो मनुष्य का जो भविष्य है वो उसे प्राप्त हो सकता है, उसको मिल सकता है, पर उसकी पहली सीढ़ी है आत्म साक्षात्कार। जैसे कि कोई चीज जलाना हो तो सबसे पहले है उसके अंदर ज्योति आनी पड़ती है, उसी प्रकार एक बार आपके अंदर ज्योति जागृत हो गई तो आप उसको फिर से प्रज्वलित कर सकते या उसको आप बढ़ा सकते, पर प्रथम कार्य है कि ज्योति प्रज्वलित हो और उसके लिए आत्म साक्षात्कार नितांत आवश्यक है। किंतु आत्म साक्षात्कार पाते ही सारी शक्तियां जागृत नहीं होती, इसीलिए ये साधु संतों ने और ऋषि मुनियों ने व्यवस्था की है कि आप देवी की उपासना करें। लेकिन जो आदमी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है उसको अधिकार नहीं है कि वो देवी की पूजा करे। बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि वो सप्तशती का कभी अगर पाठ करें और उनका यह भवन करते हैं तो उनको बड़ी आपत्ति आ जाती है और उनको बड़ी तकलीफ हो जाती है और वो बहुत सफर करते हैं। तो उनसे यह पूछना चाहिए कि आपने किसे करवाया, तो कहेंगे कि हमने सात ब्राह्मणों को बुलाया था किया, और वो ब्राह्मण नहीं, इन्होंने ब्रह्म को जाना नहीं वो ब्राह्मण नहीं, और ऐसे ब्राह्मणों से कराने से ही मेरी नान दुष्ट हो गई और आपको तकलीफ हुई। तो आपके अंदर एक बड़ा अधिकार है कि आप देवी की पूजा कर सकते और साक्षात को भी पूजा कर सकते, यह अधिकार सबको नहीं है। अगर कोई कोशिश करे तो उसका उल्टा परिणाम हो सकता है, उसका विपरीत परिणाम हो सकता है। सबसे बड़ी चीज है कि शक्ति जो है वो जितनी ही आपको आराम देती है, जितनी वो आपके सज्जन का व्यवस्था करती है, जितनी वो आपके प्रति उदार और प्रेममयी है, उतनी ही वो क्रूर और क्रोधमयी। कोई बीच का मामला नहीं है, या तो अति उदार है और या तो अति क्रोधित है, बीच में कोई मामला चलता नहीं। वजह यह है कि जो लोग वहां दुष्ट है, राक्षस है, और जो संसार को नष्ट करने पे आमादा है, जो लोगों को भूल भुलैया में लगाए हुए हैं और कलयुग में अपने को अलग अलग बता करके कोई साधु बना है तो कोई पंडित बना हुआ है, कोई मंदिरों में बैठा है तो कोई मस्जिदों में बैठा है, कोई मुल्ला बना हुआ है, कोई पोप बना हुआ है, तो कहीं कोई पॉलिटिशियन बना हुआ है, ऐसे अनेक अनेक कपड़े परिधान करके जो अपने को छिपा रहा है, क्योंकि राक्षसी वृत्ति का मनुष्य है उसका नाश होना आवश्यक है। लेकिन ये जो नाश की शक्तियां हैं इसके तरफ आपको नहीं जाना, आप सिर्फ इच्छा मात्र करें और ये शक्तियां अपने ही आप कार्य कर लें तो सारे संसार में
वो ये चैतन्य बह रहा है वो उसी महामाया की शक्ति है, और इस महामाया की शक्ति से ही सारे कार्य होते हैं, और ये शक्ति सब चीज सोचती है, जानती है, सबको पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से लाती है, जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइज कर लेती है, और सबसे बड़ी चीज है कि ये आप पर प्रेम कर, और उसका प्रेम निर्वाज, इस प्रेम में कोई भी मांग नहीं, सिर्फ देने की इच्छा है, आपको पनपाने की इच्छा है, आपको बढ़ाने की इच्छा है, आपकी भलाई की इच्छा है। लेकिन इसी के साथ साथ जो चीजें काटे बंद करके आपके मार्ग में रुकावट डालेंगे, आपके धर्म में खलल डालेंगे, या किसी भी तरह से आपको तंग करेंगे, ऐसे लोगों का नाश करना अत्यावश्यक, लेकिन उसके लिए आप अपनी शक्ति न लगाएं। आपको सिर्फ चाहिए कि आप उस शक्ति के लिए सिर्फ पाचारण करें, आवाहन करें देवी का, और उनसे कहिए कि ये जो अमानुष लोग हैं इनका आप नाश करें। ये तो पहली चीज हो गई, तो आपको छुट्टी मिल गई कि आप कोई भी आप पे अगर अत्याचार करे, कोई भी आपको बुराई से बोले, कोई आपको सताए, तो आपने एक और विशेष रूप से एक स्थिति है इसमें आप विचार हो। तो सारी चीज को एक आप साक्षी रूप से देखना शुरू कर, एक नाटक करो। जैसे अजीब पागल आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ, इसको क्या करने का है? उसका पागलपन देखिए, उसका मनस्ताप देखिए, उसकी तकलीफें देखिए, और आप उस पर हंसिए। रजीब बेवकूफ है, उसके लिए आपको कोई तकलीफ बताने की जरूरत है, उसके लिए सिर्फ आपको आपका जो किला है वो निर्विचारिता, उसमें जाना है, और निर्विचारिता में जाते ही साथ आपकी जो कुछ भी संजोने वाली शक्तियां हैं, आनंद देने वाली शक्तियां हैं, प्रेम देने वाली शक्तियां हैं, वो सब कुछ सब समेट करके आपके अंदर आते। लेकिन जब तक आप इन चीजों में उलझे रहेंगे, और जब तक आप ये सोचते रहेंगे इसको मैं कैसे इसका सर्वनाश कर दूं, इसको मैं किस तरह से खत्म कर दूं, इसे मैं क्या इलाज कर लूं, और इस तरह से आप षड्यंत्र बनाते रहेंगे, तब तक आप सच्ची मानिए कि उसका असर आप पे होगा, उस पर नहीं। रामदास स्वामी ने कहा है कि अल्प धारिष्ट पाए, माने आपका थोड़ा सा जो धीरज है उसको परमात्मा दे, लेकिन आपके अंदर इतनी ज्यादा शक्तियां हैं, इतनी ज्यादा शक्तियां हैं कि उनको पहले आपको पूरी तरह से प्रफुल्लित करना चाहिए, उसको जगाना चाहिए, उनको जानना चाहिए, अपने प्रति एक तरह का बड़ा आदर रखना चाहिए। अब ये शक्तियां नष्ट होती है, पर जो जो में भी जागती है फिर नष्ट हो जाती है, जागती है फिर नष्ट हो जाती है, उसकी क्या वजह? एक बार जगी हुई शक्ति क्यों नष्ट हो? जैसे कि एक मनुष्य में आज शक्ति है कि वो बड़ा भारी कला में निपुण हो गया, पर जो में आने से बहुत से लोग कला में निपुण हो गए, कला के बारे में जान गए, उनमें एक तरह की बड़ी चेतना आ गई, उनका सृजन बहुत बढ़ गया, लोग देख के कहते हैं कि भाई एक कलाकार ऐसा है कि समझ ही नहीं आता, पर फिर वो उसी कला में उलझ जाता, फिर उसकी शौहरत हो गई, नाम हो गया, उसी में उलझ जाता। जब वो उलझ जाता है इस चीज में, तब फिर उसकी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि उसकी शक्तियां भी उसमें उलझ जाती। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि किसी पेड़ के अंदर बहता हुआ उसका जो प्राण रस है वो हर चीज में, हर पत्ते में, हर डाली पर, हर फूल में, हर शय में धूमधाम करके वापस लौटता। उसी प्रकार जो भी आपके अंदर शक्तियां आज प्रवाहित हैं, और जिन शक्तियों के कारण आप आज कार्यान्वित हैं, ये सारी चीजें आपको जानना चाहिए कि इस शक्ति का ही प्रादुर्भाव, और उसमें आपको उलझने की जरूरत है, आप उससे एक निमित्त मात्र पूछते हैं,
और जब आप ये समझ जाएंगे कि हम निमित्त मात्र हैं, तो ये आपकी शक्तियां कभी भी दुर्बल नहीं होंगी और कभी भी नष्ट नहीं होंगी। इसी प्रकार अनेक बार मैंने देखा है कि सहयोगियों का चित्त जो है वो ऐसी चीजों में उलझते जाता है। कोई चीज से भी वो बड़प्पन में आ जाए, कोई भी चीज से उन्होंने बहुत प्रगति पा ली। आप जानते हैं कि बहुत से स्टूडेंट जो कि क्लास में कुछ नहीं कर पाते थे, फर्स्ट क्लास में आने लग गए, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, तो फिर वो कभी सोचने लग जाए कि वाह हम तो कितने बड़े हो। जैसे ही ये सोचना शुरू हो गया, वैसे ही ये शक्तियां आपकी फर्क हो और गिर जाए। अब सोचना ये है कि हमें क्या करना। बस समझ लीजिए किसी आदमी का इनकम बिजनेस बढ़ गया, या उसको खूब रुपया मिलने लग गया, या उसके पास कोई विशेष चीज आ गई, तो उसे क्या करना चाहिए। उसे पूरे समय सतर्क रहना चाहिए और यही कहना चाहिए कि मान लीजिए आप ही कर रहे हैं, हम कुछ हो गए, आप ही की शक्ति कार्यान्वित है, हम कुछ हो गए। बहुत जरूरी कि आप सतर्क रहें, क्योंकि उसके बाद जब आपकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी तो आप खुद ही कहेंगे कि मां शक्ति डूब गई, सब खत्म हो गया। ये कैसे? जो शक्ति कार्य कर रही है उसको कार्यान्वित होने, जैसा एक पेड़ है समझ लीजिए, उस पेड़ के पत्ते कैसे गिरते हैं आपने सोचा है? उसमें बीच में एक पुच के जैसे जिसे कॉर्क कहते हैं बीच में आ जाता, पत्ते और पेड़ के बीच में एक कॉर्क आ जाता, उसके पास कोई शक्ति आती नहीं तो वो गिर जाता है पत्ता। इसी प्रकार मनुष्य का भी है कि आज उसकी शक्ति एक महान शक्ति से जीती हुई और वहां से वो उसे प्राप्त कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो अपने को कुछ समझने लग जाए, या उसके अहंकार में बैठ जाए, या उसकी जो अनेक तरह की गतिविधियां हैं जिस तरह से कॉम्पिटिशन ये वो उसे उलझता जाए, तो उसके बीच में एक दरार पड़ जाए और उस दरार के कारण वो मनुष्य भी उसे प्राप्त नहीं कर सकता जो उसे प्राप्त किया हुआ, क्योंकि वो तो एक निमित्त मात्र था, लेकिन जो शक्ति अंदर उसके अंदर बह रही थी वो शक्ति बीच में कर गई। जैसे कि अभी इसकी शक्ति कट जाए तो शायद मेरा लेक्चर ना बंद हो, पर ऐसे हो सकता। इसलिए हमको एक बात को खूब अच्छे से जान लेना चाहिए कि हमारे अंदर जो शक्तियां जागरूक हुई है और जो कुछ भी हमारे अंदर की विशेष स्वरूप की व्यक्तित्व को प्रकट करने वाली जो नई आभा हमें दिखाई दे रही है, इस शक्ति को हमें रोकना नहीं चाहिए। इसके ऊपर हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ बहुत बड़े हो गए या हमने कुछ बहुत बड़ा पाल। दूसरी तरफ से ऐसा भी होता है कि जब ये शक्ति आपके अंदर जागरूक हो जाती है, उस वक्त आपको इस तरह का उदासी बन गया था, इस तरह का कि अभी दूसरे साहब तो इससे पहुंच गए, हम तो वहां पहुंचे नहीं, उन्होंने ये कर दिया, हमने ये किया नहीं, और हर तरह से आदमी उलझ भी जाता है। और उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर ही अपने को दुखी मानते, बहुत छोटी बातों पर, जैसे अब सबको बैच मिला मुझको बैच नहीं मिला। जब हम गणपतिपुरे में हमें बड़े अजीब अजीब अनुभव आए कि लोग आए कहने लगे कि माता जी हमको एक चीज का डब्बा दे, भाई ये भी कोई तरीका हुआ। दूसरे ने कहा कि आपने मुझे इतना दिया लेकिन उसको नहीं दिया, तो बात नहीं। उस मौज में और आनंद में ये सब सोचने की बात ही नहीं है, छोटी छोटी बात में वो दुखी हो जाते हैं। फिर ऐसी जिसको बहुत बड़ी बात समझते कि किसी का समझ लीजिए पति ने विछोह कर दिया, या किसी पति का रास्ता ठीक नहीं रहा तो पत्नी रोते बैठेगी, या किसी का किसी की पत्नी ठीक नहीं रहे तो पत्नी रोते बैठेगा। अरे भाई आपकी कितने बार शादियां होती थी पहले जन्म में, और अब इस जन्म में एक शादी हुई है, चलो इसको किस तरह से खत्म करो। उसी के पीछे में आप लोग रात में परेशान रहो कि इस पे ये दुख आ गया, मेरे बच्चे का ऐसा हो गया, मेरे बच्ची का ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया, इसका कोई अंत है? इसको कोई पार कर सकता है? क्योंकि इतनी छोटी सी चीज है कि वो तो पकड़ ही नहीं आती। शुद्र बात है,
वो मेरे पकड़ ही भी नहीं आती उसको, कि आप कोई भी आएगा तो ऐसी छोटी छोटी बातें मुझे बताते, मुझे बड़ी हंसी आती और मैं चुपचाप सुनती रहती हूँ। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप कहोगी सागर से जैसा तो आपका हृदय मैंने बना दिया और हिमालय से जैसा आपका मैंने मस्तिष्क बना दिया, और आप ये क्या चुटुल पुटुल बातें कर रहे हो कि जिसका कोई मतलब नहीं रहता। इसकी बात दुनिया भर की फालतू की बातें करना और जो सहज की बात है वो बहुत कम होती, उसमें मौन लगता है। सहज में तो कुछ हमने ध्यान ही नहीं दिया तो सहज में तो मौन हो जाता है। अभी मैंने सुना कि पूना में लोग जरा कम आने लग गए हैं ध्यान में, क्योंकि महाभारत शुरू हो गया। मैंने तो आज तक देखा ही नहीं है महाभारत, जो एक देखा है वही काफी, अब देखने की क्या जरूरत है। अब अपने को दूसरा महाभारत करने का है, आओ महाभारत रूप से बैठे हो। अरे ऐसा ही आपको महाभारत रूप से शौक है तो उसकी वो फिल्म मंगा लेना, देख लेना, लेकिन पूजा छोड़ करके और आपका सेंटर छोड़ करके आप महाभारत देखते हैं तो आपकी वो शक्ति कहाँ दिखेगी। वो महाभारत में चली गई, वो महाभारत होकर हजारों वर्ष होगा उसी के साथ वो भी खत्म हो गए। तो ये जो मनोरंजन पर भी लोगों का एक बड़ा ध्यान रहता, किस चीज से हमारा मनोरंजन, ऐसा ही हर एक चीज में मनुष्य उलझते जाता है। तो कोई भी चीज अति में जाना ही सहज के विरोध में पड़ती है। जैसे अब म्यूजिक का शौक, तो म्यूजिक तो म्यूजिक ही सिद्धांत भी करने का म्यूजिक में पड़े, वो मनोरंजन है। फिर कविता में पड़ गए तो कविता में उलझते। कोई भी चीज में अतिशयता में जाना ही सहज से विरोध में जाना, इस बात को आप गांठ बांध के रखें। और दूसरी चीज की जो हमारी शक्तियां उनको सम्यक होना चाहिए, तभी हमें सम्यक ज्ञान मिलेगा, माने इंटीग्रेटेड नॉलेज। अगर एक ही चीज के पीछे में आप पड़े रहे और एक ही चीज को आप देखते रहे तो आपको इंटीग्रेटेड नॉलेज नहीं हो सकता है, आपको सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता है, आपको एक चीज का ज्ञान होगा। अब जैसे मैंने देखा है कि बहुत सी लेडीज होती है बड़ी पढ़ी लिखी होती है बहुत बड़े से, पर कभी अखबार नहीं पढ़ती, उनको दुनिया में पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। उसे किसी के बारे में पूछिए तो कहने भाई वो कौन थे हमें पता नहीं। रहे आदमी लोग तो उनका ऐसा है कि उनको सिर्फ ये मालूम है कि कौन सा खाना अच्छा बनता है, किसके घर में अच्छा खाना बनता है, किसके घर जाना चाहिए अच्छा खाने के लिए। खाने के मामले में हिंदुस्तानी बहुत ही ज्यादा उलझे हुए लोग हैं, बहुत ज्यादा। और औरतें भी ऐसी हैं कि बेवकूफ बनाने के लिए अच्छे अच्छे खाने खिला करके उनको ठिकाने लगाती है। इसमें दोनों की शक्तियां उलझ जाती, दोनों रात दिन ये खाने के बारे में, मुझे आज ये खाने को चाहिए, मुझे आज ये खाने को चाहिए, मैं ये टाइम से खाऊंगा, मैं वो टाइम से खाऊंगा, ये करूंगा उधर। औरतें आदमियों को खुश करने के लिए वही धंधे करती है, उसमें औरतों की शक्ति भी नष्ट होती है और आदमियों की भी शक्ति नष्ट। इसलिए मैंने ये तरीका निकाला है कि सहयोगियों को सबको खुद खाना बनाना है, और अगर किसी ने कहा कि मुझे ये खाने चाहिए तो आप ही बनाइए, हालांकि उसके बाद सबको भूखा ही रहना पड़ेगा, पर कोई अर्ज नहीं। आपको कहना चाहिए अच्छा आपको ये चीज खानी है तो आप ही इसको बना दीजिए तो बड़ा अच्छा रहेगा। फिर आप जब आप बनाना शुरू करेंगे तब आप समझेंगे कि ये चीज क्या है, क्योंकि किसी भी चीज को टीका टिप्पणी करनी तो बहुत आसान चीज है, किसी चीज को अच्छा कहना बुरा कहना बहुत ही आसान चीज, लेकिन वो खुद जब आप करने लगते हैं तो पता चलता है कि ये टीका टिप्पणी हम जो कर रहे हैं ये बिल्कुल बेवकूफी है, क्योंकि हमें कोई अधिकार नहीं। तो इस कदर की छोटी छोटी चीजों में भी लोग मुझे आके बताते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। आप अब साधु हो, आपके अंदर सबसे बड़ी जो शक्ति आई है वो ये, आप कोशिश करते और मैं जो बात कहती हूँ उससे आपको प्रतिक्रिया आएगी। कोशिश करके देखिए, आप जमीन पर सो सकते हैं, आप रास्ते पर सो सकते हैं, आप 10-10 दिन भी भूखे रह जाए आपको भूख नहीं लगेगी, आप कैसा भी खाना उसे खा लेंगे आप भूख नहीं लगेगी। इससे आप हमारे प्रदेश के सहयोगियों को देखिए किस हालत में रहते हैं, किस परेशानी में रहते हैं। हमें कुछ वहां पर हिंदुस्तानी सहयोगियों ने बताया कि ब्रह्मपुरी में इंतजाम इस वक्त ठीक नहीं रहा, लोगों का दिमाग खराब हो गया था क्योंकि आप नहीं गए,
तो बहुत तकलीफ हुई इनको खाने पीने की और कुछ अच्छा नहीं लगा, ऐसा बता। तो मैंने उन लोगों से जाकर पूछा कि भाई सबसे ज्यादा तुमको कहाँ मजा आया, तो उन्होंने ब्रह्मपुरी में सबसे ज्यादा मजा। तो मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि इतनी शिकायतें हुई, क्योंकि ब्रह्मपुरी में क्या बात, कहने वहां कृष्णा बहती है, उसके किनारे में बैठो तो लगता है कि माँ जैसे आपकी धारा बह रही। वो सब यही बातें करते रहे, यहाँ ये लोग खाने ही पीने की सोचते रहे। इसीलिए जब कभी कभी लोग कहते हैं कि हम लोगों का समर्पण कम है, उसकी वजह ये है कि हम लोग काफी ऊंधे हुए लोग, हमारे अंदर बहुत पुरानी परंपराएं हैं। यहाँ अनेक साधु संत हो गए, बड़े बड़े लोग हो गए, बड़े बड़े आदर्श हो गए, और उन आदर्शों के वजह से हमें मालूम है कि अच्छाई क्या है, बड़ी क्या है। लेकिन उसके साथ ही साथ हमारे अंदर एक तरह की ढोंगी रुचि आ गई कि हम ढोंग भी कह सकते। कोई भी आदमी अपने को राम कह सकता है, कोई भी आदमी अपने को भगवान कह सकता है, कोई भी आदमी अपने को सीता जी कह सकता है। ये ढोंगी बना के हमारे यहाँ बड़ी भारी शक्ति है। एक साहब ने मुझे कहा कि दुखी है वो तो भगवान है। मैंने कहा कैसे? वो कहते हैं भगवान, ये फॉरेन वो भगवान कहते हैं। मैंने उसको कहने में क्या लगता, ऐसे कैसे कहेगा कोई कि मैं भगवान? मैंने कहा कह रहे हैं वो भगवान है, लेकिन उसके कुछ तरीके होते हैं, जो आदमी सुन को नहीं सुन सकता वो भगवान कैसे हो सकता। हाँ ये तो बात है। तो मैंने कहा कि जैसे पर वो क्यों कह रहे थे, वो ऐसा क्यों कह रहे? मैंने कहा क्योंकि वो आप नहीं, वो यही नहीं समझ सकते कि लोग उसका सफेद झूठ इतने जोर से कह सकते या किसी के लिए कहते। पर वो उसको रुपया ही चाहिए ना, ठीक है वो रुपया लेता है, लेकिन हमको तो वो आध्यात्मिक देगा, तो क्या हर्जा, में तो आध्यात्म लेना है, लेने दो रुपया, रुपये में क्या रखा है, रुपया दे दो उसको, रुपये में क्या रखा हुआ है, अध्यात्म को पाने की बात है, अध्यात्म हुआ हमें दे रहा है तो मुझे रुपया दे रहे हैं, रुपये में तो कोई खास चीज होती है। ये जो उनकी तैयारी आज हो गई है, वो हमारे अंदर तैयारी अभी तक हो नहीं पाई इसके लिए, क्योंकि हमारे सामने आदर्श बहुत अच्छे हैं, महाभारत है, राम है, ये है वो है, और हम उसी कीचड़ में बैठे हैं। अगर कोई कीड़ा कहे कि मैं कमल हो गया तो वो नहीं सकता, और उसको कमल बना भी दिया तो भी ढंग वही चलेगा। इसलिए ये समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर जो इतनी ऊंची ऊंची बातें हो गई और जिससे हम चारों तरफ से पूरी तरह से हम थके हुए, और जिसके कारण हम लोग बहुत ऊंचे भी हैं, लेकिन जब तक हम अपने को ये न समझे कि हमें वही होना है जो हम देख रहे हैं, इस मामले में हमारे अंदर आंतरिक इच्छा ऊपरी नहीं अंदर से लगना चाहिए। क्या हमने उसे प्राप्त किया? क्या हमने अपने ध्येय को प्राप्त किया? क्या हमने उसे पाया है? उसे हमें पाना है। इस मामले में ईमानदारी अपने साथ, और जब तक ईमानदारी नहीं होगी तब तक शक्ति आपके साथ ईमानदारी नहीं करती। ये आपका और अपना निजा संबंध है। अनेक तरह से आप अपने को पड़तालिए और देखिए कि हमारे अंदर ये शक्तियां क्यों नहीं जागृत हो, क्यों नहीं हम इसे पा सकते। कारण हम खुद ही अपने को एक तरह से काटे चले जा रहे। तो किसी भी तरह से ढोंगी पुष्टि का सहयोग में स्थान नहीं, हृदय से आपको महसूस हो, हर एक चीज को हृदय से पाना, अपने अंतर आत्मा से उसे जाना। उसके लिए कोई भी ऊपरी चीज कोई है तो मुस्कुराते बैठे रहेंगे, कोई जरूरत तो मुस्कुराने की, कोई है कि बड़े गंभीर होकर बैठे रहेंगे, ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। जो आपके अंदर भाव है वो बाहर आ रहा है, उसमें कौन सा नाटक करने, उसमें कौन सी आफत करने की है। जो हमारे अंदर भाव है वही हम प्रकटित कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो भाव है वो इस शक्ति से बहता हुआ बाहर चला रहा है, और उसको हम प्रकटित कर रहे हैं। और जो लोग इस तरह से एक बात समझ गए कि हमें पूरी तरह से ईमानदारी से सहयोग करना, वो धीरे धीरे इसमें खिसकते जाए। जिस तरह से वहां पर मैं लोगों में देखती हूँ आत्मसमर्पण, उसमें मैं ये जरूर कहूंगी कि उस आत्मसमर्पण के पीछे में एक बड़ी भारी कमाल है, और वो कमाल ये है कि
वो सोचते हैं कि सिर्फ हमारा कल्याण आत्मिक ही होना, हमारा आत्मिक कल्याण होना और कोई भी बात होने से जो किला बने हैं, आप जानते हैं स्वतंत्र अच्छी हो जाएगी, आपको पैसे अच्छे मिल जाएंगे, आपकी नौकरी अच्छी हो जाएगी, आपका दिमाग ठीक हो जाएगा, आपके बच्चों का भला हो जाएगा और भी आवश्यक चीजें जितनी भी आप उसको आप संसारी कहते हो जाएंगी और उससे भी आपका नाम हो जाएगा, शौहरत हो जाएगी, इनको कोई भी नहीं जानता है वो तक उनका नाम हो जाएगा, वो तक लोग जानेंगे, सब कुछ हो। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो अपनी आत्मिक उन्नति के सिवाय और कुछ है। हम सिर्फ आत्मिक उन्नति पर, जब वो आत्मिक उन्नति मनुष्य में हो जाती है तब मनुष्य सोचता ही नहीं करती, उसके लिए सब कब पदार्थ है, सारी लक्ष्मी उसके पैर धोए उसके लिए वो कब पदार्थ है, कोई भी उसके लिए चीज ऐसी नहीं है उसके लिए वो लालायित हो या परेशान हो, उस कदर वो समर्थ हो जाता है, है तो है, नहीं है तो नहीं है, मिले तो मिले, नहीं है तो नहीं। ये जब अपने अंदर ये स्थिति आ जाए, मनुष्य स्थिति पे आ जाए, तब सोचना चाहिए कि सहयोगियों ने अपने जीवन में कुछ प्राप्त। जब तक ये स्थिति प्राप्त नहीं होगी तो आपकी नाव डावाडोल चलती रहे और आप हमेशा ही कभी इधर तो कभी उधर घूमते रहे। पहले अपने को स्थापित करने की जो महान शक्ति आपके अंदर है वो है श्रद्धा। उस श्रद्धा को हृदय से जानना चाहिए और उसकी मस्ती में रहना है, उसके मजे में आना है, उसके आनंद में आना है। तो जो ये श्रद्धा की आह्लादायी शक्ति है उस आह्लाद को लेकर उस एक्सटसी में रहना है, उस सुख में रहना चाहिए। और जब तक मनुष्य उस आह्लाद में पूरी तरह से घूम नहीं जाएगा, उसके सारे जो कुछ भी प्रश्न है, प्रॉब्लम है, बने ही रहेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम सदा सब माया है, ये सब चक्कर। जब किसी से पूछे भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तो मुझे 100 रुपया मिलना चाहिए तो मुझे 50 रुपये, जब 100 रुपये मिले तो क्या प्रॉब्लम है, मुझे 200 रुपये मिलने चाहिए तो मुझे 100 ही रुपये मिले, वो तो खत्म नहीं हो रहा। फिर दूसरा क्या प्रॉब्लम है कि मेरी बीवी ऐसी है, फिर तुम दूसरी बीवी कर दो वो भी ऐसी, तीसरी आई वो भी ऐसी, तो आपके प्रॉब्लम से खत्म हो रहा है क्योंकि आप स्वयं इनको करनी खत्म कर रहे हैं। ये सबको खत्म करने का तरीका यही है कि अपने श्रद्धा से आप अपने आत्मा में जो आनंद है उसका रस और उसी रस से रव मान रहे हैं। आखिर सारी चीज है ही हमारे आनंद, लेकिन जब तक हम उस रस को लेने की शक्ति ही को नहीं प्राप्त करते तो क्या फायदा होगा। ये तो ऐसा ही हुआ कि एक मक्खी जाकर के बैठ गई ऊपर और कहेगी कि साहब मुझे तो कुछ मधु नहीं मिला, उसके लिए तो मधुकर होना चाहिए। जब तक आप मधुकर नहीं होंगे तो आपको मधु कैसे मिले, अगर आप मक्खी बने रहे तो आप इधर उधर ही भिड़कते रहेंगे, लेकिन जब आप मधुकर बन जाएंगे तो आप कायदे की जगह जा करके जो आपको रस लेना लेकर के मजे में पेट भर के और आराम से आनंद से, यही सबसे बड़ी चीज सहयोग में सीख लेती कि हमारा चित्त पूरी तरह से एक चीज में डूबा रहना चाहिए और वो है आत्मिक हमारी उन्नति होनी चाहिए। पर उसका मतलब ये नहीं कि पूरी समय अपने को बंधन देते रहो या पूरी समय आंखें बंद करके और जैसे मराठी में कहते शेंदी बांधू, उसकी कोई जरूरत नहीं। सर्वसाधारण तरीके रोजमर्रा के जीवन को कुछ भी न बदलते हुए जैसे आप हैं वैसे ही उसी दशा में आपको चाहिए कि आप अपने अंदर जो हृदय में आत्मा है उसके रस को प्राप्त, जब उसका रस झरना शुरू हो जाता है तो आप ही में कबीर बैठे हैं और आप ही में नानक बैठे हैं और आप ही में सारे बड़े बड़े जितने संत साधु हो गए तुकाराम नामदेव एकनाथ सब आप ही लोगों में, और उनको इतना बेचारों को कोई बताने वाला भी नहीं था, उनको संभालने वाला कोई नहीं था, उनके
संरक्षण के लिए कोई नहीं था, ये सब आपको प्राप्त है। आपको अच्छी छत्र छाया में बैठे हुए तो भी अब आप उस छत्र छाया में बैठ करके एक अपनी भी छत्र खोल लेते हैं और उसके बारे में फिर चर्चा करते हैं, तो इससे तो आपकी शक्तियां कम हो ही जाएंगी। इस पर हमें गौर करना चाहिए कि हमारी कितनी शक्तियां और हमारे अंदर कितनी शक्तियां हमने देखी और वो कैसे कार्यान्वित हो रही। आप जो चाहे सोचा वो दे वांछी न ते तोला है, जो आप इच्छा करेंगे वो आपको, लेकिन आपकी इच्छा ही बदल जाएगी, आपके तौर तरीके ही बदल जाएंगे। जैसे आज अब कोई माँ बालक नहीं देखा करो क्या सोचेगा, अरे बाप रे आज माँ का इतना अच्छा समय बधा हुआ है, माँ को मार रही है, पूजा का मौका है, सारी दुनिया से लोग दौड़े हैं, बाहर अमेरिका से अभी मैं जा रही हूँ तो कहा एक दिवाली पूजा जरूर करना, उसके लिए मेरे ख्याल से सारे ब्रह्मांड से लोग वहां पहुंच जाए। लेकिन यहाँ कलकत्ते से भी लोगों को आने मुश्किल हो जाती है, कलकत्ते से भी, और साक्षात हम बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो बिल्कुल आसानी से आ सकते, अपने काम के लिए 10 मरतबा दौड़ेंगे, लेकिन इसको नहीं समझते कि कितनी महत्वपूर्ण चीज है, इसका महत्व नहीं समझ पाते, क्योंकि श्रद्धा कम। वो कहते जब हम रिटायर हो जाएंगे तब आए सुविधा के साथ, रविवार के दिन करिए पर एक दिन उससे पहले छुट्टी होनी चाहिए, नहीं तो बाद में छुट्टी होनी। अब ऐसे रोने सूरत लोगों के लिए क्या सहयोग है, ये रोड़े कहाँ तक जाएंगे, ये तो फिक्चर भी नहीं। जो लोग इस तरह की बातें सोचते हैं वो सहयोग में कहाँ तक पहुंचेंगे, ये मेरी समझ में नहीं है कि सब सुविधा होनी चाहिए, सैटरडे संडे होना चाहिए, और उसमें से भी हम जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा भाग जाएंगे क्योंकि तो आपको कल दफ्तर में जाना, तुम जाओगे कल भी सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसे जल्दबाजी करोगे तो खंडा ला के घाट में आपको रोक लेंगे। लेकिन ये सब सूर ये सब शैतानियां हम कितनी भी करें, लेकिन आपकी अकल में जब तक ये चीज घुसे भी नहीं क्या पाए, तो चाह रहे हैं कि किसी तरह से आपको रास्ते पर, अब रास्ते पे लाने पर अगर बार बार आप लोग फिसल पड़े तो कितनी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और आप में जो शक्तियां जागरूक हो सकती हैं, जो अपने आप पनप सकती हैं, बढ़ सकती हैं, वो सारी शक्तियां कहां से कहां नष्ट हो सकती। तो अपने को पहले आपको संवारना है, अपने शक्तियों के गौरव में उतरना है, और ये जानना है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति और हम कितनी शक्तियों को प्राप्त कर सकते, हम कितने ऊंचे उठ सकते हैं, हम क्या क्या लाभ दूसरों को दे सकते, इतना भंडारा हमारे अंदर पड़ा हुआ है, सारा कुछ खुल गया, चाबी मिल गई, अब खुल जाने पर सिर्फ उसमें से निकाल के लोगों को बांटना और उसका मजा उठाना। आज ये जो शक्ति की पूजा हो रही है, असल में मैं चाहती हूँ कि आप जानिए कि आपकी ही शक्ति की पूजा होती है, जिससे आप एक बड़े ईमानदार और एक सच्चे तरीके से श्रद्धामय हो जाए। साधु संतों को कुछ कहना नहीं पड़ता था, वो मार खाएंगे, पीछे जाएंगे, उनको जहर देंगे, चाहे कुछ करिए, उनकी नजर नहीं छूटती। अब आप लोगों को तो कनेक्शन लगा दिया, लेकिन वो इतना ढीला कनेक्शन है कि बार बार लगाना पड़ता, फिर से किसी बात से छूट जाता है, फिर से किसी बात से लगाना पड़ता। तो अब सोचना ये है आप के हमारे अंदर की सारी ही शक्तियां हमें जागरूक करनी, तो फिर कोई कमी नहीं रह जाए, कोई आपके सामने प्रश्न ही नहीं रह जाएंगे। इन शक्तियों का जागरूक करना बहुत आसान है, एक ही बात है, आपकी लगन होनी। इसको लगन हो जाएगी तो पूरी तरह से लगन से सहयोग में उतरेगा, और इसका हमेशा जी सहयोग पे ही खींचा रहेगा, उधर ही ध्यान रहेगा, उसका सब तो
क्षेम हो ही जाएगा, पर पहले योग घटित होना चाहिए और आधा अधूरा योग किसी काम का न इधर के रहे न उधर के रहे, ऐसी हालत हो जाएगी। एक छोटे से बीज में हजारों वृक्ष निर्माण करने की शक्ति है, तो आप तो ऐसे हजारों वृक्षों के मालिक मनुष्य है और उनमें से हजारों लोगों को आप भी शक्तिशाली बनाने की शक्ति आपके अंदर। लेकिन अगर इस बीज का अंकुर निकलने के बाद अगर आप रास्ते पे फेंक दीजिए और इसकी परवाह न करें और इसका अगर पेड़ नहीं हुआ तो इसकी शक्ति कुंठित हो जाए। तो अपने लिए पूरी तरह से आप इसका अंदाज करें कि हम क्या हैं और हम क्या कर रहे हैं और कहां तक हम पहुंच सकते हैं। इससे आपस के झगड़े, छोटी छोटी शुद्र बातें, ऐसी चीजें जो कि रास्ते पर के लोग भी न करें, असभ्यता, ये तो अपने आप से ही ढह जाए, वो तो बचने ही नहीं वाले। लेकिन आपका जो स्वयं सुंदर स्वरूप है वो निखर आएगा और लोग कहेंगे कि ये है एक शक्तिशाली मनुष्य खड़ा हुआ है, एक विशेष स्वरूप का आदमी खड़ा हुआ है, एक महान कोई व्यक्ति है जो कि ऐसा अनूठा उसका सारा व्यवहार है, वो किसी से डरता नहीं, निर्भय है, जहां कहना है कहता है, जहां नहीं कहना नहीं कहता है। भी आ जाए, बाबा भी आ जाए, फिर बाबा के नाना भी आ जाए, सो नहीं सकते। जो आप है उस लायक वो लोग नहीं, वो नालायक, जो नालायक है उनको छोड़ देना चाहिए, उसे क्यों झगड़ा करना, नालायक लोगों से झगड़ा करना छोड़ देना। नसीब आपके फूटे जो नालायक से शादी कर ली, ऐसा सोचना चाहिए, और नसीब आपके फूटे जो नालायक आपके माँ बाप है, जो नालायक है उनको काहे को जबरदस्ती सहयोग मिलाना और मेरे खोपड़ी पे लादना कि साहब माँ इसको ठीक करो क्योंकि वो मेरी बीवी है, क्योंकि वो मेरा बाप है, क्योंकि मेरा बाबा, मेरा दादा, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं करता। अगर वो सहयोग में नहीं है तो उनको आप नालायकों को बाहर ही रखिए, जो लायक लोग हैं उनसे रोज दोस्ती करिए, उनके मजे में रहिए, आपको जरूरत क्या है। और यही बात हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये दुनिया ही रिश्ते ऐसे चलते रहते हैं, इसमें कुछ रखा नहीं। हाँ, अगर आपकी जिसके साथ में संगति है वो आपके साथ उठ सके, आपके साथ चल सके, आपके साथ बन सके तो ठीक, और नहीं तो ऐसे नालायक लोगों को कोई जरूरत नहीं सहयोग मिलाने। और मैं देखती हूँ कि बहुत ही नालायक लोग सहयोग में कभी कभी इससे आ जाते हैं, मेरे बड़ा सरदर्द हो जाता। आपकी लियाकत थी इसलिए आप आए और आप सहयोग को प्राप्त हुए, आपको आशीर्वाद मिला, आपने बहुत कुछ पा लिया और आगे आप पा सकते। और जो भिखारी है उनको देने में क्या अर्थ है, और भिखारी भी है और उसके झोली में छेद भी है, उनको और देने से और क्या फायदा, लोग करेला नहीं चढ़। ऐसे लोगों से रिश्ता रखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, उनसे कोई बात करने की जरूरत नहीं, मतलब रखने की जरूरत नहीं, उनको पकड़े दीजिए। अगर उनका दिमाग ठीक हुआ तो वो आएंगे और सहयोग में उतरेंगे, और नहीं हुए तो आप अपना दिमाग क्यों खराब कर, उससे कोई फायदा नहीं है। ऐसे लोगों के पत्थर के जैसे सर होते हैं, उससे कोई फायदा नहीं, वो देख नहीं सकते। तो आज से हम लोगों को सोचना है कि हम एक व्यक्ति हैं स्वयं, और जिसे हमने प्राप्त किया है अपने अपने पूर्व जन्म के कर्मों से, क्योंकि हमने बहुत पुण्य किए थे और इसलिए हम आज स्थान पे बैठे हुए हैं, और इससे भी ऊंचे स्थान पे हम बैठ सकते हैं और जा सकते हैं। तो अपने पीछे में बड़े बड़े इस तरह के पत्थर लगा करके आप समुद्र में मत कूदिए। आपको अगर तैरना आता है तो मुक्त होकर के तैरिए, उसका आनंद उठाए और अपनी सारी शक्तियों से आप लाभित होइए। आज मेरा अनंत आशीर्वाद है कि आपके अंदर की सुप्त सारी ही शक्तियां जागृत हो और धीरे धीरे आप इसको महसूस करें, और उसके जो अंदर से प्रवाह की विशेष धाराएं बहे उसके अंदर आप आनंद लूटे। यही मेरा आपको सबको अनंत आशीर्वाद। निःशब्द ध्यान की स्थिति में बने रहते हैं।
अभी हम संपूर्ण विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं, परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री कात्यायनी स्वरूप को हमारा कोटि कोटि नमन। श्री माता जी, आपकी कृपा में हम संतुष्ट है। हमारे सारे दोष, अशुद्ध इच्छा, दुर्गुण नष्ट कीजिए और हमें सद्गुण संपन्न बनाइए। हमें शक्ति से आशीर्वादित करें। हमारे अंदर के सारे राक्षसी प्रवृत्तियाँ, रोग, बाधा नष्ट कीजिए। हमें साक्षी स्वरूप बनाइए। सामूहिकता का आनंद प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन, अनंत कोटि नमन। जय श्री माता जी। अभी हम सब लोग सामूहिक बंधन लेते हैं। आज का ध्यान सत्र संपन्न होता है। आज घर पे श्री सूक्त का पठन करें और विशुद्धि पर चित्त रख के ध्यान की स्थिति में बने रहते हैं। धन्यवाद। जय श्री माता जी।